छात्र संघ चुनावों की बहाली से लेकर भारी फीस वृद्धि वापस करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के पदाधिकारियों ने 2 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू कर दी है और कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल रूम के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। एबीवीपी के सदस्य ने बताया कि प्रदेश स्तरीय आह्वान पर ही हमीरपुर कॉलेज की इकाई 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठी है और मुख्य मांगों में छात्र संघ चुनावों की बहाली के साथ साथ बढ़ी हुई फीस को वापस लेना है। जो छात्रों को आज पूरे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके संदर्भ में है, जैसे कि सबसे पहले एससीए चुनावों को लेकर आज का जो एससीए जो कॉलेज में चुनकर आता है वो स्टूडेंट की समस्याएं जो प्रशासन और सरकार के समक्ष नहीं उठा पा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद जल्द से जल्द एससीए चुनावों की बहाली के लिए मांग करती है। दूसरा, एक और निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक SC ST नाम के जो स्कॉलरशिप का घोटाला हुआ है, अभी हम देखते हैं कि उसका एक आंकड़ा आ रहा था कि उसमें से 260 करोड़ जो कुल स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट के लिए बांटी गई है, उसमें से 200 करोड़ के करीब वो जो निजी विश्वविद्यालयों को बांटी गई और 60 करोड़ के करीब जो कि सरकारी जो भी कॉलेज है उनमें बांटी गई है। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बंदरबांट जो यहाँ पर छात्रवृत्ति की हुई है वो बिल्कुल गलत तरीके से हुई है। विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और आज जो एक भूख हड़ताल हो रही है यहाँ पे हम स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बैठे हुए हैं। जैसे आज हमारे महाविद्यालय में जो हम गर्ल्स कॉमन रूम की हालत देखते हैं तो बिल्कुल खस्ता है, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, टॉयलेट की हालत बिल्कुल खराब है। कि जो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो भूख हड़ताल है वो हमारी स्टेट कॉल है, ये पूरे प्रदेश भर में हो रही है, तो इसके लिए जो हमारी शुरू से मांग रही है कि छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए, तो हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनावों को बहाल किया जाए और स्टूडेंट जो है वो अपना स्टूडेंट लीडर खुद सुने जो कि स्टूडेंट की मांगों को उठा सके, और जो भी कॉलेज की स्थानीय मांगें हैं उसको लेकर हम भूख हड़ताल करें। और दूसरी बात यह है कि जो भी निजी विश्वविद्यालय में जो भी स्कॉलरशिप का घोटाला सामने आया है उसके लिए प्रदेश सरकार ने जहाँ CBI को भेज दिया उसका विद्यार्थी परिषद स्वागत करती है, पर विद्यार्थी परिषद साथ में ये मांग भी करती है कि जो रेगुलेटरी कमीशन का जो चेयरमैन है वो जल्द से जल्द बर्खास्त होना चाहिए। तो हमारी भूख हड़ताल है ये 23 अगस्त 12:30 बजे से लेके 24 अगस्त 12:30 बजे तक चलेगी, 24 घंटों की हमारी ये भूख हड़ताल है। छात्र अनीता ने बताया कि छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनावों की बहाली नहीं की जा रही है। अनिल ठाकुर, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे हिमाचल प्रदेश में भूख हड़ताल कर रही है, ये इसलिए कर रही है कुछ मतलब सभी हिमाचल प्रदेश के शिक्षक क्षेत्रों में बहुत सारी कमियां जो स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भूख हड़ताल इसलिए हो रही है ताकि मतलब पहली है कि चुनाव संघ चुनाव बहाल किया जाए ताकि स्टूडेंट्स अपना एक नेता छात्र चुन सके ताकि वो कॉलेज की सभी कमियां दूर कर सके। दूसरी, एग्रीकल्चर या नौनी यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि इतनी बढ़ गई है ताकि मतलब स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है। और आज कॉलेज में सभी हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेज में भूख हड़ताल इसलिए हो रही है ताकि वो स्थानीय कमियों को पूरा कर सके। आज डिग्री कॉलेज हमीरपुर में इसलिए भूख हड़ताल हो रही है, पहली कमी है कि यहाँ के कूलर में पानी के कूलर में सफाई नहीं है और उनका गंदा पानी है। दूसरी, कुछ महीने पहले यहाँ मंजूरी दी गई है वो भी खुला नहीं है। हम घर में भी कई कमियों मतलब घर में कमियां होती हैं तो हम जिद करते हैं कि ये कमियां पूरी की जाए। अगर कॉलेज में छात्रों को मैं और हमारे कॉलेज में कमी है तो हम उनको पूरा क्यों ना कर सकें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज जो भूख हड़ताल के ऊपर बैठी हुई है उसका कारण ये है कि छात्र चुनाव जो बहाल हो सकें, और अब हमारे कॉलेज में 3-4 हमने शर्तें रखी थी कि जो हमारा कूलर है पानी की व्यवस्था है उसमें वो गंदगी है वहाँ पर वो साफ की जा सके, और जो गर्ल्स कॉमन रूम है वहाँ भी बहुत गंदी मतलब वहाँ वो रूम सारा टूटा फूटा हुआ है उसकी मरम्मत करवाई जा सके, और बस जैसे कि हमने पहले भी करवाया था बस काउंटर पास से हम कॉलेज में खुलवाया था लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं, वो बंद हो गया है, वो भी सुचारू रूप से पूरा हो, उसका जो काम है वो भी पूरा हो। और